वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये ओरिजिनल वाला 2 है, ठीक है। ये 2 नंबर यहाँ पे देखेंगे, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये है द्विघात समीकरण, यानी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जब घात 2 होगा वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना यानी दिखाना है। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद समीकरण बनेगा, उस समीकरण को लिखिए, यानी इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को लिखना है, और लास्ट में उस इक्वेशन को बनाना भी है। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर के। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। नहीं पल्ले पड़ा तो समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत समझते हैं ना, जिसमें एक बहुत बड़ा लंबाई होता है और एक क्या होता है, चौड़ाई। जो सबसे बड़ा हो उसे लंबाई कहते हैं, जो इसमें छोटा है उसे क्या बोलते हैं, चौड़ाई। हर चीज लंबा और चौड़ा होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ये लंबाई दिया है और ये वाला क्या है, चौड़ाई है। अब ये कितना कितना दिया है, इसका लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, आयत का क्या दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल समझते हैं, देखिए कभी भी क्षेत्रफल होता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। कभी आप बहुत पहले क्या होता था कि पहले नाश्ता का डब्बा पैक होता था, तो नाश्ता का डब्बा जब पैक होता था तो ऐसे सजा के रखा जाता था, इस हिसाब से सजा के रखा जाता था। जब ये नाश्ता का डब्बा आयत टाइप का सजा दिया, देखिए आयत टाइप का सजा दिया ना, और जब नाश्ता का डब्बा काउंट करना होता था तो कैसे काउंट किया जाता था, 1, 2, 3, 4 को ऊपर काउंट कर लिया जाता था, ऐसे काउंट 1, 2 और दोनों को गुणा कर लिया जाता, ये वाला हो गया 4 को, ऐसे हो गया 2 को, 4 × 2 = 8 को। इस देखिए तो पूरा एरिया में कितना नाश्ता का डब्बा है, 8 को है कि नहीं, तो ऐसे ही होता है। बस ऊपर वाला कितना है वो, ये साइड वाला कितना है वो, दोनों को गुणा कर दोगे पता चल जाएगा ये कितना अंदर जगह है। इस जगह को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, समझ में आया। तो ये पूरा जगह दे दिया, अपने से कुछ माना होगा लंबाई और कुछ माना होगा चौड़ाई, आई दोनों को गुणा किया है तो एरिया कितना आया है, 528 आया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोला है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि पता है ये लंबाई कितना है, ये लंबाई चौड़ाई से दुगुना कीजिए और एक अधिक कीजिए, समझिएगा पहले ध्यान से। ये लंबाई कितना है, हाई जितना भी लाइन होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा है ही छोटा है, तो अंतर क्या कर रहा है, ये अगर जितना होगा उसको डबल कर दीजिए और उसमें एक को जोड़ दीजिए तो ये मिलेगा। कुछ देर के लिए मानिए कि अगर 2 होता तो बताइए लंबाई कितना होता, तो जितना भी ये होता इसका दुगुना कर देंगे तो 2 × 2 = 4, और उसमें क्या जोड़ देंगे, 1, यानी यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 2 × 2 = 4 = 1, 5 हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई कितना है, तो ये लंबाई कितना है, तो चौड़ाई जितना भी है इसका दुगुना करके 1 जोड़ देना है। तो चौड़ाई हमको नहीं पता है तो चौड़ाई को सबसे पहले हम लोग x मानते हैं, लंबाई कितना हो जाएगा, जितना चौड़ाई है उसका दुगुना करके 1 जोड़ दिए, तो ये हो गया लंबाई। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, माना कि लंबाई बराबर x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आयतकार भूखंड की लंबाई बराबर आयतकार भूखंड की लंबाई इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो, तथा चौड़ाई, माना कि लंबाई, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, माना कि आयतकार भूखंड की चौड़ाई पहले क्या माने हैं, एक्स, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लंबाई हो जाएगा चौड़ाई का दुगुना, 2 से गुना, दुगुना मतलब ट्वाइस दुगुना होता है, दुगुना करके 1 जुड़ दे तो ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जाहिर सी बात है एल इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 528, लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया है 2x + 1, यहाँ भी दिया है इनटू ब्रैकेट, दोनों एक ही चीज़ है, चौड़ाई दिया है x 528, ये कितना हो जाए, x में 2x है तो 2x² प्लस में ये हो जाएगा x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 2x² + x,
और माइनस में ये हो जाएगा 528, इधर जीरो। अब बताइए ये समीकरण की तरह हो गया कि नहीं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यही था यहाँ पे कह रहा था, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, इसको द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना था। तो हमने क्वेश्चन को लंबाई और चौड़ाई को मान के बस गुणा कर दिए और इसको इधर भेज दिए, तो ये किस में, द्विघात समीकरण में दिखने लगा। अब ये जब द्विघात समीकरण में दिखने लगा तो कह रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई निकले, यानी कि ये वाला x मान है तो x का मान निकाले, और ये वाला दोनों निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये तो फर्स्ट इनटू लास्ट हो गया ना, अगर आप फर्स्ट इनटू लास्ट सीखे होंगे तो ये दोनों को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिएगा, यानी दो को और इसमें 528 को जब गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 74, 1 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, 10 56 हुआ। कितना हुआ, 10 56। ध्यान से समझिएगा इसको, हमने ये लास्ट वाले दो को गुणा किया, फर्स्ट इनटू लास्ट गुणनखंड है, तो आया कितना, 10 56 आया। अब क्या किया जाता है कि बीच वाला जो नंबर है उसको भी दो हिस्सा में तोड़ा जाता है, यहाँ एक हिस्सा एक यहाँ हिस्सा, आई भी दोनों को गुणा, जैसे ये दोनों को गुणा किए तो कितना आया, 10 56 आया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नंबर होगा जो दोनों को गुणा करने पर 10 56 ही आना चाहिए, आ फिर इसको अगर जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो क्या आ जाना चाहिए, एक सा जाना चाहिए। तो उपाय क्या है ऐसा, ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो हो जाएगा ये 2 5 10, ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से 2 2 4 2 6 12, ध्यान से देखते चलिएगा, और ये 2 चौका 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कटाइएगा तो ये कितना, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 3 6, 2 3 6, यहाँ देखिए कितना आया, 2 2 4, 1 2 3 4 5 को 2 आया, कौन को 2 आया, 1 2 3 4 5 आ 1 आया 33, 2 2 गुणा किया जाता है ना, 2 2 4 4 2 8 8 16 16 2 32, यहाँ तक गुणा किए तो आया 32, आ एक बचा है 33। आप हमको एक चीज़ बताइए, जब आप 32 और 33 को गुणा कीजिएगा, इसके बदले हम ये लिखे हैं, 32 और 33 को गुणा कीजिए तो कितना आएगा, आपका आएगा 10 56, और 33 में से 32 जाएगा तो एक बचेगा। अब देखिए हम इसको वैसे ही 2x स्क्वायर लिखते हैं, प्लस यहाँ लिखते हैं, प्लस में है ना, क्या है यहाँ पे, प्लस में है, तो बड़ा वाला हमेशा आगे प्लस में होगा, 33x माइनस 32x 528। नहीं समझ आया, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट क्या बोला जाता है, इसको इसको गुणा किए तो कितना आया था, 10 56 आया था। अब ये दो हिस्सा को गुणा किए तो 10 56, बीच वाले को हम तोड़े हैं तो देखिए, तो 33 को x में से 32 को x घटाइएगा तो कौन को x बचेगा, एक x, तो घटाने पर वो आ जा रहा है, लेकिन ये दोनों को गुणा कीजिएगा ना तो 10 56 ही आएगा। ठीक है, तो अभी दोनों में कुछ सेम मिल रहा है, इन दोनों में कुछ एक जैसे मिल रहा है, तो मिल रहा है, यहाँ भी एक से यहाँ भी एक से, एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ एक एक्स बाहर निकलेगा तो बचेगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 33। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से लीजिएगा माइनस में 16 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 33। क्यों प्लस होगा यहाँ माइनस है, तो क्योंकि माइनस कॉमन नहीं है, तो माइनस निकलता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक चीज देखिए, फर्स्ट इनटू लास्ट का एक और तरीका आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। अगर ये दोनों बीच वाला बराबर आ जाए तभी आपका ये फर्स्ट इनटू लास्ट जो है ये आपका गुणनखंड सही है, अगर ये दोनों बीच ये वाला दोनों बराबर नहीं आए तो समझिएगा कि सब मेहनत पर पानी फिर गया, ठीक है, सब बेकार हो गया। तो एक काम कीजिए, एगो बाहर वाला लिखिए, तो बाहर क्या है, x माइनस 16, अंदर दोनों एक ही जैसा है तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 33 हो जाएगा। ठीक है, इधर जीरो है, हम लोग थोड़ा सा इधर अच्छा लगेगा, साइड में जीरो नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरती खराब हो जाता है, इसीलिए हम लोग इधर लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, हमको क्या निकालना है, देखो मेन कह रहा है कि सबसे पहले समीकरण बनेगा, एगो तो यही आंसर हो गया, दूसरा नीचे बोला है कि लंबाई चौड़ाई निकालिए, तो वो तो हम x माने थे ना, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसको जीरो के बराबर कीजिए, x माइनस 16 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। ठीक है, x क्या माने हैं आप, x आप माने हैं चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना हो गया 16, तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई माने हैं आप 2x प्लस 1, 2x का मान कितना आया है 16, प्लस में है 1, 16 दूना 32 और 1 33 हो जाएगा, लंबाई आ गया आपका 33 और चौड़ाई कितना है 16 है।
अब ये कहिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे कहिएगा हम इसको एक बार जीरो के बराबर करें, इसको भी तो करना चाहिए जीरो के बराबर। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इसका माइनस में आंसर आएगा। और याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई ये सब जितना भी है इसमें माइनस में नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइनस में नहीं होती है, ठीक है, जैसे उम्र, आपका जो एज है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है। कभी भी बच्चा जन्म लेगा तो उसका उम्र बढ़ते जाएगा, एक बार ऐसा कभी नहीं होता है कि माइनस दो बरस का है। पैदा होने से पहले उसका नाम तुम कैसे रख सकते हो, तुम सोचो, ठीक है, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। माइनस में उम्र नहीं होता है, कोई माइनस दो बरस का होता है, ये मेरे यहाँ बाबू हुआ है जो माइनस दो बरस का पैदा हुआ है, यानी पैदा होने से पहले एक बार लग रहा है पैदा हो गया है इसीलिए माइनस दो बरस हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका चौड़ाई और इका हो गया आपका लंबाई हो गया। यहां लिख सकते हैं चौड़ाई इक्वल टू 16 और लंबाई इक्वल टू कितना 33। वैसे भी होगा नहीं, लंबाई कितना था, चौड़ाई का दुगुना करके एक जोड़ना था, तो देखिए तो 16 दुना 32 में एक जोड़ेगा तो 33 लंबाई निकल जाएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर किए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। तो ये सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ये देखिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप अगर फर्स्ट लेसन पढ़े होंगे या फिर इसका बेसिक हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाए थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, आप प्लेलिस्ट खोल करके जाके देख सकते हैं नंबर सिस्टम। अगर आपको पता होगा कि पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है, ये जितनी भी संख्याएँ होती है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंटीजर, इसका मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, पूरा जिंदगी भर इधर आगे बढ़ते चला जाएगा। और ये माइनस वन होगा, माइनस दो होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा, ये भी बढ़ते चला जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है, अनंत तक ये भी चला जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। नहीं समझ में आए, देखिए कह रहा है कि दो लगातार पूर्णांकों का पॉजिटिव में धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। नहीं समझे, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ये लगातार का मतलब कंसेक्यूटिव लगातार होता है, ये लगातार नंबर है कि नहीं, ऐसा नहीं ना कि एक के बाद तीन है, तीन के बाद एक के बाद चार हो जाए, चार के बाद सात हो जाए, ये लगातार नहीं होता है, ठीक है। लगातार उसको कहते हैं जो बीच का सीक्वेंस एकदम बराबर हो, ये हो फिर इसके पास एक बीच का अंतर क्या है, एक है, फिर एक का अंतर होना चाहिए, ऐसे लगातार कहते हैं। जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये लगातार है। तो कह रहा है कि इसमें बताइए अनंत तक लिख दिए हैं पूरा, और इसमें कौन ऐसा दो वो लगातार नंबर है जो दोनों नंबरवा को गुणा करने पर 306 आ जाता है। अब हमको एक बात आप बाबू सोच के बताइए कि ये मान लीजिए कुछ देर के लिए चार है, आ चार के बाद क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, यानी चार के बाद जब पांच आ रहा है तो चार में कितना जोड़ने पर पांच आ रहा है, एक जोड़ने पर, या फिर यही अगर हम चार नहीं लेते हैं पांच लेते हैं, चार यहां पे लिखे पांच लेते हैं, तो पांच में कितना जोड़ेंगे कि छः आएगा अगला नंबर, यानी लगातार लेंगे तो उसके आगे वाला नंबर लाने के लिए पहले में एक हमेशा जोड़ना पड़ता है। अगर ये दो ले ले तो इसके आगे वाला नंबर लाने के लिए पहले में क्या जोड़ना पड़ेगा, एक, तभी तो जाके तीन होगा। तो बताइए लगातार नंबर के लिए हमको एक एक जोड़ना पड़ रहा है। तो अब बताइए इसमें कोई बोला ही नहीं है कि इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो दो को लगातार है, दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाए 306। तो पहला नंबर को हम लोग मान लेंगे अगर एक्स, तो उसके आगे वाला लगातार है ना, तो उसके आगे वाला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एक्स में वन जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला नंबर मिल जाएगा। समझ में आया, तो पहला नंबर को हम एक्स मानेंगे, इसके दूसरा लगातार नंबर को एक्स प्लस वन मानेंगे, ठीक है, ये समझ में आपको आया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं और तब यहाँ ध्यान से देखिए, पॉजिटिव बोला है धनात्मक, इसीलिए हम धनात्मक में से ले रहे हैं। देखिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, या फिर लिख सकते हैं माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा दूसरा विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस वन। क्यों दूसरा, क्योंकि लगातार होता है ना, तो लगातार होता है तो एक जोड़ेंगे तभी तो उसके बाद वाला आएगा। यहां लिखते हैं हम लोग प्रश्न से,
प्रश्न से के बाद अब बताइए कि ये क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या या दूसरा संख्या ए हुआ है, ये दोनों को गुणा करने के बाद, गुणनफल मतलब गुणा करने के बाद जो फल मिले, तो गुणा करने के बाद जो फल मिला है वो कितना फल मिला है, 306। तो आइए गुणा करते हैं, x को किससे गुणा करना है, x प्लस 1 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद क्या फल मिला है, 306 मिला है। गुणा कीजिए, एक्स में एक से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में वन से तो एक्स इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306 इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में बनाइए, तो ये द्विघात समीकरण में बन गया कि नहीं, इतना ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या बोल, यहाँ एक और चीज़ निकालना है हम लोग को, वो इंटीजर भी ज्ञात करना है, ज्ञात हम कर दे रहे हैं, जिसमें दो को गुणा करने पर क्या आ जाता है, 306। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, तो ये कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, 306 में कुछ एक से गुणा कीजिएगा तो 306, इसको तोड़िए। देखिए ये बीच वाले को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है, ठीक है, कि दोनों को गुणा करने पर 306 आ जाए, ये ध्यान में रखना है। तो यही हम यहाँ पे तोड़ते हैं, इसको कैसे रखते हैं, तो यहाँ दो से दो एकम दो, ये हो जाएगा दो तो कट गया, यहाँ एक बचा, दो पचे दस, ये हो जाएगा दो छक, यहाँ हो जाएगा दो तियाँ छः, फिर यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए यहाँ तीन से कटाइए, तीन तीन से कट जाएगा, तीन पचे पंद्रह, तीन एकम तीन, ये कटाइए आप इसको तीन से, तो हो जाएगा आपका कितना, सत्रह हो जाएगा, सत्रह तीन इक्यावन हुआ, यानी कि अब ये दो तीन तीन सत्रह आया, अब ये दो तीन छः छः तरी अठारह, ये तीनों को गुणा किए तो आया, इसी नंबर को इधर उधर घुमाना है, ठीक है, ये आया अठारह, ये आया सत्रह। अब हमको एक बात बाबू बताइए, 18 और 17 को गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 306 आएगा, सबको गुणा करने पर वही ना आएगा क्योंकि इसी को तो तोड़े हैं। 18 x में अगर इसको x मान लें तो 18 को x में से 17 को x जाएगा तो कौ को x बचेगा, एक को x बचेगा, तो वही तो लाना है ना, यहाँ इस दोनों के जगह पर यहाँ लिखते हैं हम 18x और माइनस 17x, अब बाकी इसके जो आगे है वो हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं, 306 इज इक्वल टू जीरो, ध्यान से समझिए, 18 17 ये दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 306, 18 में से 17 जाएगा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी 1x आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, ये दोनों में क्या दिख रहा है, एक जैसा, एक जैसा दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी, तो x बाहर कर लीजिए, तो यहाँ एक गो x बाहर हो गया तो एक गो x तो बचेगा ना, और यहाँ से x बाहर हो गया तो यहाँ खाली बचेगा 18, ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आपका 17, इस 17 के पहाड़ा में ये मतलब आगे कीजिएगा तो आ जाएगा 17, जब माइनस में 17 निकलेगा, क्या निकालना है, माइनस, क्यों निकालना है, अब बता रहे क्यों, देखिए ये वाला आंसर यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ x प्लस ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू जीरो, जब इसमें से 17 का पहाड़ा पड़िएगा ना 18 बार, तो ये 308 आ जाएगा। देखिए तो ये दोनों बराबर आया है, जब दोनों बराबर आता है तभी आपका गुणनखंड सही होता है। एगो बाहर वाला लिखिए x माइनस 17 और एगो अंदर वाला, दोनों में से कोई एक, x प्लस 17 बराबर जीरो। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए, एक बार हम लोग इसको जीरो के बराबर करते हैं, दोनों का देखिए दोनों के बराबर ना जीरो है तो अपना अपना हिस्सा एक बार जीरो को दे रहे हैं, यानी कि x माइनस 17 इक्वल टू जीरो, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में x बराबर क्या आ गया, 17, ठीक है। अब ये अब यहाँ 18 होगा ना, अंदर वाला है 18 हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ आप कोशिश कीजिएगा, ये x प्लस अगर 18 बराबर जीरो लिखते हैं तो x बराबर ये माइनस 18 हो जाएगा। आपसे अभी बताए थे कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक का बात किया है, तो ये हम क्यों लेंगे, ये वाला लेंगे ही नहीं, इसको आप लेवे मत कीजिए, माइनस वाला को आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। आपका x बराबर कितना आ गया, 17 आ गया, x क्या माने हैं, धनात्मक, पहला कितना आ गया, पहला विषम पूर्णांक, पहला पूर्णांक कितना आ गया, 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया आपका, आ गया x प्लस 1 है ना, तो हो जाएगा x के मान 17 प्लस 1, 17 और ये कितना हो गया, 18। तो देखिए
पहला हो गया 17 और दूसरा हो गया आपका 18। ये दो नंबर लगातार है, देखिए 17 के बाद क्या आता है 18, और दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ समझिए। कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 बरस बड़ी है, ध्यान से समझिएगा। जो रोहन की मम्मी है, अम्मी है, ठीक है, वो रोहन से कितना है 26 बरस। अगर रोहन का उम्र मान लीजिए कि 5 बरस होता है तो इससे 26 बरस ज़्यादा इनकी मम्मी है। तो क्या कीजिएगा आप, 26 जोड़ दीजिएगा 6 और 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3, उनकी मम्मी का उम्र कितना हो जाता है 31 वर्ष। यानी रोहन का उम्र अगर 5 बरस तो 5 में हमने 26 जोड़ा तो ये देखिए तो 26 बरस ज़्यादा है 31 वर्ष। लेकिन ये तो हम आपको माने हैं ना यहाँ पे कि रोहन का उम्र कितना है 5 वर्ष। अगर यहाँ रोहन का उम्र x वर्ष रहता तो उनकी मम्मी का उम्र यहाँ 5 की जगह x प्लस 26 हो जाता, ये उनकी मम्मी का, ये तो जुटेगा नहीं, एक जात का रहता है तो जोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता, एक बार मन लगा के पढ़िए, अरे अपने लिए ना सही, आप बहुत लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके पेरेंट्स, उनके लिए तो पढ़ा कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये 26 वर्ष यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे कैसे बड़ी है तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 यहाँ बोल रहा है कि द प्रोडक्ट और दोनों का एज का गुणनफल 3 बरस बाद का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब से 3 बरस बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, वो तो पता नहीं है हमको कि कितना है, तो वर्तमान आयु को क्या मान ले, एक्स मान ले, रोहन की माँ का वर्तमान आयु, रोहन की माँ वर्तमान आयु कितने बरस बड़ी हैं, तो ये एक्स है तो ये 26 बरस बड़ी हैं। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ देर के लिए 3 बरस बाद बताइए रोहन का उम्र क्या होगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ हम एक्स की जगह 5 बरस माने थे, तो बताइए कि अभी रोहन 5 वर्ष का है, वर्तमान में भी प्रेजेंट में 5 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, तो 5 6 7 8 वर्ष हो जाएगा, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे तो उनकी मम्मी क्या उतना ही वर्ष की रहेंगी जितना पहले थी, नहीं, इनका भी तो उम्र बढ़ेगा, उम्र तो सबका साथों साथ बढ़ता है, समय बैठा हुआ नहीं है, हम लोग बैठे रह जाते हैं, ठीक है, समय निकल जाता है, यही समय से सीखना चाहिए कि वो कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है, ठीक है। अब बताइए ना कि यहाँ पे वो है 3 बरस बाद, तो यहाँ लिखते हैं 3 बरस बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी एक से तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, और 3 वर्ष बाद यहाँ पे रोहन की माँ की आयु, तो अभी कितना है x प्लस 26 है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो ये 3 बरस बाद ये भी। अब बताइए कि यहाँ पे रोहन का उम्र हो गया, अब बोल रहा है कि 3 बरस बाद जो उम्र हुआ है ना दोनों का, दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 360 आ रहा है, दोनों का गुणनफल मतलब रोहन और उनकी मम्मी के उम्र जो भी दोनों आया है 3 बरस बाद, उन दोनों का गुणनफल 360 है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रश्न से 3 बरस बाद रोहन का उम्र है x प्लस 3 और इनका उम्र है x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, और दोनों का गुणनफल माने बीच में गुणा रहता है, इनटू दे दे ऐसे या फिर गुणा दे, दोनों बात एक ही है, दोनों का गुणनफल कितना है 360 हो गया, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है इससे दोनों में गुणा, x में दोनों से गुणा कीजिए, x में पहले x से तो x स्क्वायर, x में 29 है तो 29x प्लस फिर 3 से 3x हो जाएगा, और ये 3 में 29 है तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 और कितना हो जाएगा 3 2 6 और 2 8, ठीक है, इज इक्वल टू 360। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है तो 29 30 31 32 हो जाएगा, 32x ये हो जाएगा आपका 87 माइनस 360। ध्यान से समझते चलिएगा, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर 32x प्लस, ये देखिए घटाइए तो 360 यानी कि 10 में से
सात जाएगा तो बचेगा कितना, तीन, ये कितना हो जाएगा छः, यानी पाँच हो जाएगा, पाँच में से यानी इधर जाएगा तो पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह में से आपका आठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पंद्रह में से आठ जाएगा ये भी हो जाएगा आपका सात, यहाँ पे बचेगा दो। लेकिन इसमें से देखिए तो सिंबल किसका रहेगा, ज़्यादा वाला ही है तो यहाँ किसका सिंबल रहेगा, माइनस का। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सबसे पहले एक द्विघात समीकरण तैयार करना था, तो द्विघात समीकरण आपका निकल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब आपका जब द्विघात समीकरण निकल गया तो उस हिसाब से आप कैसे इसको बनाइएगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल क्या है ध्यान से समझिए, इसको गुणा करते हैं तो 273 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आखिरकार 273 एक्स स्क्वायर आएगा। हमको नंबर को तोड़ना है, हम नंबर को अगर तोड़ेंगे तो ये बचेगा आपको कितना से कटेगा, तीन से, तीन नंबर 27, तीन एकम तीन, यहाँ सात से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ 13 से कटाएंगे एक हो जाएगा एक, तीन को नंबर निकला कौन कौन, 3, 7 और 13। इसी तीनों नंबर को ऐसे घुमा फिरा के रखना है कि दोनों दो हिस्सा में करना है, तीन हिस्सा में ना दो हिस्सा में करना है, जिसको घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए 32। तो देखिए हम करते हैं एक से स्क्वायर 13 और 3, 13 तीन कितना होता है 39, आ ये क्या है माइनस में 7 कर देते हैं तो 39 में से अगर 7 जाएगा तो फिर 32,000 है, और 39 में 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 273 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कितना 39x माइनस 7x और ये हो जाएगा आपका 273 हो गया। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, निकालिए तो यहाँ पे एक x निकल गया तो एक x बचा और यहाँ पे बचा 39, माइनस कॉमन लीजिएगा x कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा आपका 7 कॉमन लीजिए 7 तो यहाँ बचेगा x माइनस कॉमन हो गया तो प्लस ये हो जाएगा कितना 39। क्या होता है देखिए जब ये दोनों आपस में आ गया बराबर तो समझ जाइए कि हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ एगो बाहर वाला लिखिए तो x माइनस 7, आई दोनों तो सेम है ना तो कोई एक ठो लिख दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 39। ये इज इक्वल टू में जीरो रखिएगा हर जगह, एक बार इसको जीरो के बराबर कीजिए तो x माइनस 7 बराबर जीरो तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 7 आ गया आपका। वैसे x आप क्या माने हैं तो x माने हैं आप क्या रोहन का आयु, यानी रोहन का आयु x माने हैं, रोहन कितना वर्ष का है 7 वर्ष का है, इनकी मम्मी इससे 26 वर्ष बड़ी हैं तो इनका भी उम्र निकल सकता है 7 में 26 जोड़ दीजिए। ये वाला हम लोग क्यों ले बताइए, तो x प्लस 39 इज इक्वल टू जीरो है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x बराबर माइनस 39। बताइए ना किसी का उम्र माइनस में होता है कभी संभव ही नहीं है। देखिए एक लड़का जन्म लेगा ठीक है तब से, या फिर लड़का अगर माँ के पेट में तब से उसका उम्र हमेशा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है कि माइनस 2 बरस का है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि बच्चे का पैदा होने से पहले नाम हम लोग रख दें ठीक है 2 बरस का पहले से ही हो गया है, तो ये सब नहीं होता है, तो माइनस वाला नहीं होता है। इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, रोहन की आयु क्या हो गया, रोहन की आयु वर्तमान एज कितना हो गया, हो गया आपका 7। और उसकी मम्मी का उम्र बस ले जाके जोड़ दीजिए, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये आप मत लिखिएगा कोई फायदा नहीं है ये लिखने से ठीक है, यहाँ बस 39 ऐसे हो गया, बस ये प्लस वाला ही हमेशा लेते हैं, माइनस में उम्र नहीं होता है। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और ये घटना हमारे साथ जनरली घटते रहता है। कैसे, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी दूरी तय कर रहे हैं, तो कहीं पर दूरी तय करें तो वहाँ दिया हो कि कितना किलोमीटर जाना है, तो आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, एक समान चाल से आराम से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, इस दूरी को तय कर ले रहे हैं ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि अब जितना भी गए हो स्पीड उससे अपना स्पीड कम कर दीजिए, तो बताइए कि पहले अगर जाने में लगा होगा 2 घंटा, मानिए कि 2 घंटा 2 आवर्स लगा होगा, और जैसे आप अपना स्पीड कम करके आराम से और स्लो करके जाइएगा तो जाहिर सी बात है समय में कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ समय बढ़ेगा कि नहीं, तो कुछ बढ़ेगा। इसका मतलब बताइए कि आपका गाड़ी की चाल क्या रही होगी, कि भाई कभी घट जा रहा है मतलब समय, या कभी बढ़ जा रहा है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे, समझिएगा। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर जाना है, एक समान चाल से एक ट्रेन चल रही है जिसको 480 किलोमीटर जाना है। मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है ये आराम आराम से चल रही है, तो इसको कितना किलोमीटर जाना है, यहाँ तक पहुँचना है 480 किलोमीटर जाना है। पता नहीं कि कितना समय लगा है, वही तो सब निकालना है ना। अब जितना भी समय लगा हो, अगर बोला जा रहा है कि ये मान लीजिए गाड़ी चल रही, इसका स्पीड हुआ अब कम कर दे, पहले जितना चल रही थी उसके स्पीड में क्या कर देंगे 8 किलोमीटर कम कर दे, तो बताइए कि किसी चीज़ फॉले फास्ट चल रहा है और उसके स्पीड को कम कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में समय बढ़ जाएगा।
तो कितना बढ़ जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में अगर 8 किलोमीटर उसको कम चला रहे हैं तो बताए 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। कितना घंटा ज्यादा समय लग रहा है, 3 घंटा। तो अब बताइए कि ट्रेन का स्पीड क्या था कि भाई ये 3 घंटा कम कभी समय ज्यादा समय लग रहा है। तो यही यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है। तो हमको स्पीड पता है नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं। यहां पे देखिएगा ध्यान से, मानते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, चाल कितना है x किलोमीटर मान लीजिए प्रति घंटा। अब कितना दूर जाना है, जाना दोनों को एक ही समान है, उतना ही दूर 480 किलोमीटर जाना है। लेकिन उतना ही दूर जाने पर एगो तो आराम से निकल जाएगी, एगो स्पीड वह कम करके जाएगी, यानी कि 8 किलोमीटर अपना स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर देगी। तो यानी कितना दूर जाना है, दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है यहाँ पे आपको, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब बताइए हमको x किलोमीटर के स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप जा रहे हैं और दूरी जाना है 480 किलोमीटर, तो समय क्या लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि टाइम बराबर होता है, ठीक है, डी बाई एस, यानी कि दूरी बटा चाल, ठीक है। टाइम बराबर दूरी, कितना दूर जाना है 480 किलोमीटर, स्पीड कितना के स्पीड से गाड़ी भागेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी भागेगी। अब कह रहा है ये चाल है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग चाल। ध्यान से समझते चलेगा। अब यहाँ बाबू कह रहा है, ध्यान से आइएगा, दूरी उतना ही है लेकिन चाल में जितना भी चले अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें, इसके चाल में हम कितना घटा दें, 8 घटा दें, तो समय इसका 3 घंटा बढ़ जाएगा, इसी का समय। तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को घटाने पर लगा समय, समय कितना लगा है, t बराबर, ये t बराबर है 480 बटा x है ना, x में कितना घटाना है, कह रहा है कि चाल में 8 घटा दीजिएगा तो समैया 3 घंटा बढ़ जाएगा। समझ आया, समय कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटा बढ़ जाएगा। अब बस बन गया, एक काम कीजिए, t बराबर कितना है, t बराबर 4 से ये भर दीजिए, t बराबर 480 बटा x प्लस में 3 इज इक्वल टू 480 बटा x माइनस x। ये भी एक तरीका है, नहीं तो दोनों का एक टाइम निकालना पड़ेगा, फिर उसे प्रश्न से करना पड़ेगा, लेकिन ये आसान तरीका है, समझ में भी आएगा। वो डायरेक्ट बोला है कि अगर स्पीड में 8 घटाइएगा तो समैया बढ़ जाएगा, हमने स्पीड से 8 घटा के समय में 3 घंटा बढ़ा दिया। अब ये t जितना था उतना भर दिए, अब एक जात को एक जगह करते हैं, ये वाला लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा एक जात का, तो एक काम कीजिए इधर भेज दीजिए। क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ देखिए 3 इधर बच जाएगा और यहाँ है 480 बटा x माइनस 8, ये प्लस में है, पटी जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 480 और बटा में x। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग बटा का घटाव करेंगे तो x माइनस 8 और यहाँ x हो जाएगा, इसमें इसमें भाग दो, भाग देने के बाद इससे ये कट जाएगा, बचा x 480x माइनस, इसमें इसमें x x कट जाएगा और बच जाएगा आपका 480 और x माइनस 8, x माइनस 8 से बचेगा, हो गया। अब यहाँ 3 घंटा 480x माइनस में ये हो जाएगा 480, एक गुणा कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है उसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 480 में 8 से गुणा कीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0, 8 हटाई 64 के 4 हाथ में, 8 नहीं 64 के 4 हाथ में 6 बचा और 8 चौका 32 और 6 38, ठीक है। अब बट्टा ई गुणा करो, x में x से तो x स्क्वायर, x में 8 से तो 8x, क्या करते हैं, ये तो खत्म हो गया ना, प्लस ये x है, प्लस और माइनस का हो गया, खत्म हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा, 3 में x स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 8 त्रिका 24x, इधर का बचा है 38 40, इधर इसको लाइए 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस में हो जाएगा 38 40 इज इक्वल टू 0। बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण में दिखा दिए। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, तोड़ना है। सबसे पहले कुछ हम लोग कॉमन ले लें, इसमें सब में कुछ मिल रहा है एक जैसा, तीन का पहाड़ा मिल रहा है, तीन का पहाड़ा मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी, ये भी तीन से कट जाएगा। जब तीन बाहर निकालिएगा तो यहाँ खाली बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, तीन का पहाड़ा कब बार में 24, 8 बार में 3 8 24, और यहाँ देखिए निकालिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें कितना बचा 2, 3 8 24,
ये आपका हो गया जीरो। तीन को भेजिएगा बट्टा में जीरो के, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो। एक्स स्क्वायर 8x माइनस 1280 बराबर में जीरो। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण थोड़ा सा हल्का हो गया। बीच वाले को फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, तब तक इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। यहाँ पे इसको हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पे अब तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, वो देखिए एक चीज़ का एक इधर साइड वाला हम मिटा चुके हैं, इरेज कर दिए, वहाँ से हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 बराबर में जीरो। जब इसको तोड़िएगा फर्स्ट इंटू लास्ट तो कितना हो जाएगा 1280 गुणा होगा। तो अब 1280 को ऐसे फैक्टर जब आप तोड़िएगा तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखिएगा आप 40x, अब प्लस यहाँ लिखिएगा 32x, और ये देखिए इसको हम तोड़े हैं दो हिस्सा में, ठीक है, और 1280। ये कैसे हमको समझ आया कि हम ये 40 और 32, जब इस पर तोड़िएगा आप दो से कटाइएगा तो एक तरफ 32 और एक तरफ 40, ये दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 1280, और इसमें से घटाइएगा तो 40 में से 32 जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन निकालिए, ये दोनों में मिल रहा है x कॉमन, तो x ऐसे बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 40, और ये दोनों में क्या मिल रहा है तो ये दोनों में हमको मिलेगा आप 32 निकालिए, प्लस में 32। तो जब यहाँ प्लस में 32 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x, अब 32 का टेबल कितना होता है, 32 का टेबल इसे कटाइएगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, एक बाहर वाला लिखा जाता है x प्लस 32, और एक क्या लिखा जाता है अंदर वाला लिखा जाता है x माइनस 40। ठीक है, इस सब के बराबर में क्या रहता है, जीरो रहता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझिएगा, अब हम लोग ये दो ठो हिस्सा है, पहले इसको जीरो के बराबर करते हैं फिर इसको जीरो के बराबर। तो x प्लस 32 ये वाला ले रहे हैं, इतना बराबर क्या जीरो, इतना बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 32। ठीक है, अब ये ले रहे हैं x माइनस 40 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 40। आपसे हम कुछ बताए थे, कौन सा आंसर लेते हैं, माइनस वाला आंसर नहीं लेते हैं, हमेशा कौन लेते हैं प्लस वाला आंसर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया 40, x सब क्या माने थे, ट्रेन की चाल माने थे। तो बाबू ट्रेन की चाल यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर उसके बाद क्या हुआ था, 8 किलोमीटर उसका स्पीड कम कर दिया गया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब 8 किलोमीटर इसमें से कम कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जब 8 कम होगा तो। ठीक है, लेकिन सिर्फ रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज 4.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।